अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स का जब रिज़ल्ट आ जाता है, FSC में भी रिज़ल्ट आ जाता है और आपका जब BA BSc में रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं। BA BSc वाले जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं उन लोगों का जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उनका सवाल होता है कि सर हमारे इतने नंबर आ गए हैं, आगे हम BS फिफ्थ सेमेस्टर में जाएं या MA करें या प्राइवेट करें या रेगुलर करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन से कॉलेज में जाएं, कहाँ एडमिशन होगा, कहीं नहीं होगा। FA वालों का, FSC वालों का, ICS वालों का, ICOM वालों का जब रिज़ल्ट आ जाता है तो वो भी यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं तो आप लोग प्लीज़ बता दें कि हमारा एडमिशन कहाँ पर होगा, किस यूनिवर्सिटी में होगा, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में सवाल यहाँ पे हमारे पास एक मौजूद है लाइव विद जैन मलिक का। सर मेरे 45% मार्क्स हैं FSC में, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ और मेरा एडमिशन हो जाएगा? 45% मार्क्स पे आप लोग प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर में जाना चाहें, पंजाब यूनिवर्सिटी में आप सोचें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में विद 45% मार्क्स अगर आप लोग इवनिंग या रेप्लिका प्रोग्राम में भी करते हैं, जो सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप लोगों की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली वही बन जाती है तकरीबन जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उससे हाफ होती है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग प्रोग्राम में एक सेमेस्टर की 25,000 है तो इवनिंग में वो आपकी 50,000 फ़ी होगी। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि इवनिंग में आप लोगों की 50,000 फ़ी होगी। तो आप लोग ये भी ना सोचिएगा कि 47% मार्क्स पे वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, एटलीस्ट 55-60% मार्क्स होने चाहिए तो वहाँ पर आप लोगों का इवनिंग में हो जाता है। कुछ ऐसे कोर्सेज जिनमें मेरिट बिल्कुल होता ही नहीं है, लाइक क्रिमिनोलॉजी, लाइक सोशल वर्क, तो वहाँ पर आप लोगों का एडमिशन आसानी से हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो आप लोगों का एडमिशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होगा, UMT में कर लें, UCP में कर लें, आप लोग मिन्हाज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चले जाएं, आप लोग लीड्स यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, जहाँ पर मर्जी जाएँ। प्राइवेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोगों को रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिल रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर लाहौर में भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, आप लोग उधर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अप्लाई करने की जो डेट है वो आप लोगों को अगस्त में अनाउंस की जाएगी। अगस्त और सितंबर में फॉल के एडमिशन होंगे, फॉल 2022 के एडमिशन जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होंगे, वो FA FSC वालों स्टूडेंट्स के लिए भी और BS के फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।